आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की दिनभर की बड़ी खबरें हैं। नैनीताल पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा, आरोपी से जेवरात बरामद। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। चीला रेंजर्स हादसे में खुलासा, गाड़ी की क्षमता से ज़्यादा लोग थे सवार, बहुत तेज थी रफ्तार। चीला रोड पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले रेंजर अधिकारियों का मंगलवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। एक अभी भी लापता है जिसकी तलाश चल रही है। अभी तक की जांच में लापरवाही भी सामने आई है, ऐसे में जल्द ही एक्शन भी लिया जाने वाला है। झाझरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से मचा हड़कंप, पुलिस ने खाली कराया पूरा इलाका, 2 अस्पताल में भर्ती। देहरादून के झाझरा में मंगलवार सुबह प्लांट में रखे गैस सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद सूचना मिलते ही थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को खाली कराया। देहरादून ADM रामजी शरण ने बताया कि लोगों को आंखों में जलन की शिकायत थी। इसके बाद 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों पर सुनवाई, अफसर फरवरी में सौंपेंगे प्रगति रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट में मंगलवार को हल्द्वानी कालाडूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह सड़क किनारे नए पेड़ लगाने के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उच्च अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे वृक्ष लगाने और फरवरी में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, समूह की इन पदों पर करें आवेदन। उत्तराखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने समूह के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। तो इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के 3 पद, अधिदर्श प्रदर्शक रेशम विकास विभाग में 10 पद, निरीक्षक रेशम विकास विभाग में 3 पद, कुल 136 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन 10 तारीख से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थली का हाल, छत से गिर रहा प्लास्टर, पिलर भी कमजोर, मरम्मत का इंतजार। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थली में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि नीचे बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं और तो ऊपर छत से प्लास्टर गिर रहा है, साथ ही पिलर की नींव भी कमजोर है। ऐसे में कब कोई हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। विलुप्त हो रही बाबा अम्बेडकर की महार जाति, सुधाकर सिंह कश्यप बोले अधिकारियों पर हो केस दर्ज। तो हरिद्वार में समाजवादी पार्टी में पूर्व दर्जाधारी सुधाकर सिंह कश्यप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने अधिकारियों पर महार जाति के परिवारों को विलुप्त होने का आरोप लगाया। सुधाकर ने इस मामले में अफसरों पर केस दर्ज करने की मांग की है। दून में होगा इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का आयोजन, उत्तराखंडी उत्पादों के लिए खुलेंगे वैश्विक दरवाजे। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आगामी 12 जनवरी को देहरादून में इंटरनेशनल कॉनवेव कम वायर सेलर मीट का आयोजन करने जा रहा है जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं खुलेंगी, जिसे लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली। रेंज अधिकारियों का हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार, सड़क हादसे में गई थी जान। तो सोमवार 8 जनवरी शाम को सड़क हादसे का शिकार हुए चीला रेंज अधिकारी शैलेश घिंडियाल और दूसरे रेंज अधिकारी प्रमोद ध्यानी का आज 9 जनवरी को हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस घटना में नहर में गिरने के कारण एक महिला अधिकारी लापता हो गई थी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर होंगे निकाय चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट को किया आश्वस्त। निकाय चुनाव पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज सचिव शहरी विकास कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार 6 महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव करा लेगी। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल को निर्धारित की है। फुहारा घोटालेबाजों पर कार्रवाई से किसान खुश, अब मुनाफा खाने वाली कंपनियों से रिकवरी की मांग। तो देहरादून के रायपुर ब्लॉक में 200 किसानों से हुए फर्जीवाड़े पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पर हुई कड़ी कार्रवाई के बाद किसानों ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। किसानों ने मांग की है कि जिन कंपनियों को उनके नाम से पेमेंट किया गया है उसकी जाँच करके पैसे की रिकवरी की जाए।
अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस मुखर प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग। तो बीते दिन अंकिता भंडारी की मां ने वीडियो जारी कर मामले में वीआईपी का नाम उजागर किया था, जिसके बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक विरोध करने की बात कह रही है। नैनीताल के बड़े रेस्टोरेंट पर कुमाऊं कमिश्नर का छापा, दाल में मिली फफूंद, सब्जी में कॉकरोच। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल के एक बड़े रेस्टोरेंट पर छापा मारा तो वहां फफूंद लगी दाल और कॉकरोच वाली सब्जी मिली। इस पर रेस्टोरेंट को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही कमिश्नर को मोबाइल टावर लगाने में भी गड़बड़ी मिली। इस दौरान ऊर्जा निगम के अफसरों का गड़बड़ झाला भी पकड़ा गया। ऊर्जा निगम के आउटसोर्स कर्मचारी प्राइवेट ठेकेदार के लिए काम करते पकड़े गए। तीन बच्चों की मां को सोशल मीडिया पर 20 साल के छात्र से हुआ प्यार, घर से हुई फुर। तो हल्द्वानी से खबर है, इस शहर में रहने वाली तीन बच्चों की मां को बीबीए छात्र से सोशल मीडिया से प्यार हो गया, जिसके बाद महिला छात्र के घर पहुंचकर उससे शादी की जिद पर अड़ गई। बताया जा रहा है कि युवक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने महिला को युवक के घर से बरामद कर काउंसलिंग कराई, जिसके बाद परिजनों को सबूत किया गया। देहरादून के झांझा क्षेत्र में क्लोरीन सिलेंडर लीक, कई लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की यात्रा सियासी नया लगा पाएगी पार, नूरा कुश्ती के लिए दोनों तैयार हुए। स्मार्ट सिटी कार्य के चलते लोगों को अगले 2 महीने तक उठानी पड़ सकती है परेशानी, पुलिस ने की अपील। तो देहरादून के अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक स्मार्ट सिटी के कार्य के तहत कार्य किया जाना है, जिस कारण आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी कार्य न होने पर ही इन कार्यों का उपयोग करें, अन्यथा लिंक मार्ग से आवाजाही करें। दो भाई यूट्यूब देखकर बना रहे थे कच्ची शराब, तभी पहुंच गई पुलिस। तो पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक तस्कर को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही दूसरा तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 80 लीटर कच्ची शराब पकड़ी, 300 किलो लहन को किया नष्ट। तो रुड़की में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची शराब को पकड़ा, लेकिन तस्करों को कार्रवाई की भनक लगते ही वे फरार होने में कामयाब हो गए। प्रदेश में 9 दिन मनाया जाएगा सांस्कृतिक महोत्सव, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होंगे आयोजन। न्याय मिलने की आस में अंकिता भंडारी की दादी ने तोड़ा दम, पोती के लिए न्याय ही थी अंतिम इच्छा। तो पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय की आस में अंकिता की दादी शक्ति देवी की सांसें भी थम गई, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अंकिता की दादी शक्ति देवी को अंतिम इच्छा भी पोती को न्याय दिलाना था। अक्सर अंकिता को याद कर रो पड़ती थी। नए लुक में नजर आएगा गोपेश्वर मार्केट, गोपीनाथ मंदिर मार्ग का भी होगा कायाकल्प, योजना तैयार की गई। LIC एजेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, पुलिस ने खोज निकाले खोए फोन, लोगों के चेहरे खिले।